यहाँ कक्षा में बच्चा जाता है तो गा से गाय नहीं पढ़ाया जाता, ग से गधा पढ़ाया जाता है। जब भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर के बारे में दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, दे आर नॉट क्रांतिकारी जो पढ़ाया जाता है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये मिलिटेंट है, ये टेररिस्ट है। उसके बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है, ये सब ग से गधा और ये सब पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, तो यहाँ ए के रामानुजन के बीए पास कोर्स में 300 रामायणास में पढ़ाया जाता है, रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण सीता का बाप था, रावण ने गर्भधारण किया, आठवें महीने में उसको घर से बाहर निकलने में शर्म आई, जब आठवें महीने में जोर से छींक आई तो नाक से सीता मैया पैदा हुई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास कोर्स की बात कर रही हूं। और आगे पढ़ाया जाता है लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे, हनुमान एक कामुक व्यक्ति थे जो लंका के शयन कक्षों में रात को विचरा करते थे, और जब इन सब बातों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो क्या कहा जाता है, अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हिंदू फ्रिंज, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। लेकिन जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। इसलिए ये जितना कोर्स मटेरियल था आज चेंज हो चुका है। अंत में मैं कहूंगी कि मार्क्सवादी जब विपक्ष में होते हैं तब इनकी विचारधारा का आंकलन मत कीजिए, जब सत्ता में और पक्ष में आते हैं तब विचारधारा का आंकलन कीजिए। पूछिए उस टीजे थॉमस से उसका क्या कसूर था कि उसका दाहिना हाथ केरला में इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछ लिया था प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। उसकी पत्नी ने कुछ वर्षों के बाद 10 मार्च को क्यों आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर, क्योंकि न्यूमैन क्रिश्चियन कॉलेज ने उनको टर्मिनेट कर दिया था और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। पूछिए सरन मास्टर जी से कि उनकी दोनों टांगों को क्यों काट दिया गया था, क्योंकि वो मार्क्सवादी परिवार में पैदा हुए अपराष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। पूछो मास्टर जय किशन से कि क्या उनका जुर्म था कि आठवीं और नौवीं कक्षा के बच्चों के सामने उनकी हत्या कर दी गई, क्यों, क्योंकि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवाद के पुरोधा थे। इसीलिए दीज मार्क्सिस्ट व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन दे टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं दे कर्ब, दे क्रश, दे एलिमिनेट ऑल ऑपोजिशन। आप राइट टू स्पीच की बात करते हैं, ये राइट टू लाइफ ही खत्म कर देते हैं। इसलिए ये हमें ना समझाएं कि लिबर्टी क्या है और प्रोग्रेसिवनेस क्या है। मैं यही कहूंगी ये है कि ये समय ऐसा है कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश विरोध में नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगी, और दूसरी ओर वो राष्ट्रभक्त ताकतें हैं जो मेरे सामने बैठी हैं और जिनको कहते हैं ना 1,25,000 से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, ये इतने सशक्त हैं, मजबूत हैं, आगे बढ़ रहे हैं ये लोग हैं। तो ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वह कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वह शंकर हो जाता है। हम जहां खड़े होंगे, जो हमारी सामर्थ्य होगी, हम चार लोगों के बीच में होंगे, हम स्टूडेंट्स के बीच में होंगे, प्रोफेसर्स के बीच में होंगे, गांव में होंगे, शहर में होंगे, अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखेंगे, अपने साथियों को राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे, अपने साथियों को बताएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देश विरोधी नारे नहीं आते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा के वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो।